हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज मैं आपको कमीज़ का ये बैक नेक डिजाइन बना के दिखाने जा रहा हूँ। ये हमने अस्तर इसमें कमीज़ में जमा लिया है। अब इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में हम इसकी गले की शेप देंगे। ये हमारा गला थोड़ा सा छोटा बनेगा इस तरह से, और इसके बाद में हमें गले की डीप नापना है। 8 इंच है तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और उसके बाद में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और दोस्तों इसे हम यहाँ से भी शेप देंगे। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद में ये जो पेंच है हमारा बचा हुआ, इस कपड़े को भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद में हम इसमें प्रेस अच्छी तरह से लगा लेंगे। और इसका कपड़े का देखना है प्रिंट रुख उल्टा सीधा तो नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इसकी अंबियाँ ऊपर को जा रही हैं तो हमें इस तरह से रखना है इसमें पेच को, और इस तरह से रखने के बाद में हमें निशान लगा लेना है। दोस्तों हमें यहाँ पे कम से कम 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा दबाव देंगे उसके लिए भी मार्जिन रखना है, तो हम थोड़ा हट के निशान लगाएंगे इस तरह से। और ऊपर से बिल्कुल बराबर कटिंग कर देना है। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद में अब हमें ये गला बुकरम में काटना है। बुकरम को हमें इस तरफ रखना है, और रखने के बाद में हम बिल्कुल इससे निशान, ये जो हमने कटिंग कर रखा है पेच, इससे हमें थोड़ा सा फालतू कटिंग करना है। इस तरह से दोस्तों मशीन पे चलते हैं, इसे बना के दिखाते हैं आपको किस तरह से बना। तो दोस्तों इसमें हमने अस्तर भी जमा लिया है, अभी हमें इसमें पाइपिंग लगानी है, तो हमने पाइपिंग बना लिया है। पाइपिंग का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं वीडियो, अगर आसान तरीके से पाइपिंग बनाने का सीखना है तो। दोस्तों इसमें अब हम पाइपिंग लगाते हैं। पहले नीचे हम इस तरह से पाइपिंग रखेंगे अंदर की तरफ, और जो इसका एक्स्ट्रा दबाव है बाहर की तरफ रखेंगे, और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगानी है हमें एक पैर का दबाव देते हुए। इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद में हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। हम कमीज़ के जो जहाँ पे राउंड कट किया है वहाँ पे भी हमें कच्चा कर लेना है, और ये जो साइड में हमें ओवरलॉक कर लेना है। अब ये जो गला के साइड जो बनना है हमें वहाँ पे पाइपिंग लगा लेनी है इसी तरह से। इस तरह से हमें ये गला भी जमा लेना कपड़े में। इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कट कर देना है 1/2 इंच का मार्जिन रख के, और बुकरम के ऊपर इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब इसमें हमें पाइपिंग लगा लेनी है, पाइपिंग हम गुम लगाएंगे। तो दोस्तों इसका मार्जिन जो है बाहर की तरफ रखेंगे कि जो गला है, और जो पाइपिंग बुकरम की तरफ रखना है, और बिल्कुल जो ये जो हमने सिलाई लगाई है उसके सिलाई के साथ में अटैच करके हमें बुकरम के किनारे से पाइपिंग रख के सिलाई लगानी है।
ये देखिए इस तरह से अटैच कर लेना है हमें, और इसका जो मार्जिन है अब हम बीच सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे, और ये पेंच को हमें इस तरह से रखना है, और जो हमने सिलाई पाइपिंग की अटैच करी है बिल्कुल सिलाई के ऊपर से ही सिलाई हमें लगाना है। एक्स्ट्रा दबाव हमें कट कर देना है, और इस तरह से हमें कट लगा लेना है। अब ये बुकरम को गले को हम इस तरह से पलट के इस पर पहले एक लब की सिलाई लगा लेंगे। ये दोस्तों बुकरम में लगानी है लब की सिलाई, और मार्जिन हमें बुकरम की तरफ ही रखना है सारा। इससे पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग से निकलती है। ये देखिए कितनी खूबसूरत पाइपिंग निकली है, और इसमें हमें कच्ची सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग से। ये देखिए दोस्तों पाइपिंग निकल चुकी है। पाइपिंग को भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और अंदर की तरफ कच्ची सिलाई लगा देनी है। कपड़ा हमें नीचे की तरफ अच्छी तरह से हटा के रखना है, पाइपिंग के ऊपर कपड़ा न चढ़ने पाए। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से इसमें प्रेस से बिठा लिया है पाइपिंग को, अब इसे हमें अटैच करना है। तो हम इस तरह से रखेंगे इसमें, और पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाते हुए हमें अटैच कर देना है। अभी दोस्तों हमें नीचे की साइड से यहाँ से इस तरह से मिलाना है, और देखना कहाँ पे हमारा ये ऊपर का गला सेट होगा, हमें वहीं से सिलाई लगानी शुरू करना है अटैच करके। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये पेंच अटैच कर दिया है। तो दोस्तों अगर ये डिज़ाइन बनाने का आपको तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो हमने वीडियो डाले वो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि ये डिज़ाइन बनाने का आपको तरीका कैसा लगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।